नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड के दुमका में एक लड़की की पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक तरफा प्यार में एक सिरफिरे युवक राजेश राउत ने घर में घुसकर सो रही पीड़िता पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पीड़िता की रांची के रिम्स अस्पताल में मौत हो गई है। ये शादीशुदा युवक पीड़िता पर दोबारा शादी करने का दबाव डाल रहा था। आरोपी पहले भी जिंदा जला देने की धमकी दे चुका था। पिछले दिनों इसी दुमका में अंकिता नाम की लड़की को उसी के घर में शाहरुख नाम के शख्स ने जिंदा जलाकर मार डाला था। एक रिपोर्ट देखें। एक वहशी के प्यार के नाम पर एक लड़की को जिंदा जला दिया। दुमका के भालकी भरतपुर गांव में देर रात आरोपी राजेश लॉक तोड़कर मारुति कुमारी के घर में घुसा और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मारुति 90% से ज्यादा झुलस चुकी थी। उसे पहले दुमका के ही फूलझानो अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देख तत्काल रांची के रिम्स अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर राजेश राउत को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हो चुका है, बाकी का डिटेल हम लोग आगे तहकीकात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन तब बताएंगे आगे। गिरफ्तारी हो चुकी है, ठीक है। एक मिनट सर, क्या घटना है, पूरा मामला क्या है, अब तक क्या अपडेट है सर? अभी तक तो ये पता चला है कि एक लड़की थी जो इसमें भरतपुर में है, वो सोई हुई थी, उसको कोई नॉन लड़का मतलब जेंट को जानती थी, तो वो जला दिया। अभी उसमें यहाँ से रेफर किया गया है रांची, आगे का आगे अनुसंधान जारी है। इन लोगों का पहले से जान पहचान था, शादी के लिए बोला था, शादी के लिए लोग तैयार नहीं थे, घर वाले तो बोल रहा था कि शादी नहीं करोगी, जबकि लड़के शादीशुदा है। अभी तक तो ही प्रकाश में है। घटना को कैसे अंजाम दिया? अभी वो इन्वेस्टिगेशन में ही है, लड़का को जलाया है, बाकी लड़की जलने के बाद देखी कि लड़का भाग रहा था। पीड़िता मारुति कुमारी अपनी नानी के घर में रहा करती थी। बताया जाता है कि आरोपी राजेश और मारुति के बीच कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच राजेश की शादी हो गई। उसके बावजूद राजेश मारुति पर दूसरी शादी के लिए दबाव बना रहा था। मारुति ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद राजेश ने उसे जिंदा जला देने की धमकियां देना शुरू कर दिया। वहाँ के हम मामी है तो हल्ला गुला हुआ, मेरा गोतनी गया मेरे पास उठाने के लिए, चलिए ना मारुति देखिए ना जला दिया है पेट्रोल छीट कर को, वो मेसपुर गांव का लड़का है, वो आकर को पेट्रोल छीट कर हड़का तोड़ दिया इधर से, हड़का तोड़ कर को बोतल से मार दिया और माचिस मार को जला दिया उसको। दरअसल आरोपी राजेश मारुति को जिंदा जलाने की धमकी पहले से ही दे रहा था। आरोपों के मुताबिक उसका कहना था कि मैं तुमसे भी शादी करूंगा, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो जैसे शाहरुख ने अंकिता को मारा वैसे ही पेट्रोल डालकर जिंदा जला दूंगा। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, प्रशासन को ऐसे मामले में जो रोकथाम के लिए उपाय करने चाहिए वो नहीं है, क्योंकि गांव में पहले यह भालकी गांव की घटना है तो कोई भी गांव में सामाजिक पकड़ इतनी मजबूत रही है जिसका प्रसार कभी तवज्जो नहीं दी, प्रशासन को जो देना चाहिए। 19 बरस की मारुति ने हाल ही में इंटरमीडिएट की परीक्षा में अपने स्कूल में टॉप किया था, लेकिन एक वहशी हत्यारे ने उसकी जान ले ली। ठीक इसी तरह की एक घटना 23 अगस्त को इसी दुमका में हुई, जब इंटरमीडिएट की ही एक छात्रा अंकिता को एक तरफा प्रेम में शाहरुख नाम के शख्स ने ठीक इसी तरह उसके घर में खिड़की से पेट्रोल डालकर जला दिया था। अंकिता की रिम्स में 5वें दिन मौत हो गई थी। 16 साल की अंकिता भी मोहब्बत के नाम पर एक शैतान की वहशत का शिकार बन गई थी।
इसे लेकर इलाके में तनाव फैल गया। सवाल ये है कि कानून व्यवस्था का इकबाल खत्म होने पर अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, वहीं महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में मध्य प्रदेश और केरल के बाद झारखंड तीसरे स्थान पर है। वहीं झारखंड में महिला आयोग की अध्यक्ष और पदाधिकारियों की नियुक्ति पिछले 2 साल से नहीं हुई है। जाहिर है कि सरकार की महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में जागरूकता को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल आज बात होगी झारखंड के उस दुमका के इस केस की, जहां पर एक लड़की को जिंदा पेट्रोल डालकर जला दिया गया। अब सवाल इस बात को लेकर है कि पहले अंकिता और अब मारुति, ये नाम ही बदल रहे हैं, वारदातें फिर वैसी की वैसी सामने आ रही है। झारखंड में इस तरह की वारदातें क्यों बढ़ती जा रही है, क्या वजह इसके पीछे है, आखिर खाकी का खौफ क्यों नहीं है उन लोगों में, क्यों सिर्फ इन्हें लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रही हैं? और सवाल इसका भी होगा कि महिला आयोग आखिर क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, जागरूकता के लिए क्या किया जाए और आखिर इन सिरफिरों का क्या किया जाए। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। हमारे साथ सौम्या मुदगल जी जुड़ेंगी जो कि डॉक्टर हैं, मनोचिकित्सक हैं। बहुत स्वागत है सौम्या जी आपका भी। और राजीव रंजन सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि रिटायर्ड IG हैं झारखंड के। बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रदीप जी आपके साथ करते हैं। सर, ये जो केस सामने आया, इससे पहले भी इस तरह का ही केस झारखंड में सामने आया था, ये सर कौन से कानून के अंतर्गत आता है, थोड़ा विस्तार से हमें बताइएगा कि पहले अंकिता की हत्या की गई, उस पे पेट्रोल डाल के उसको जिंदा जलाया गया, अब वही चीज अब मारुति के साथ भी हुई है, कौन से कानून के अंतर्गत आता है और किस तरह की सजा का प्रावधान होता है इसके अंदर? नेहा जी, जो ये केसेस अभी आ रहे हैं एक के बाद एक, अभी रिसेंट टाइम में ये शायद तीसरा ऐसा इंसिडेंट है जिसमें आप किसी लड़की को कंपेल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज के लिए और आप दबाव बना रहे हैं उसके ऊपर कि आप या मुझसे शादी करें या मैं आपको मार दूंगा। इसमें ठीक है प्रदीप जी, मैं आपसे इस पर चर्चा आगे जारी रखूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं पीड़िता मारुति की नानी, जिनके घर वो रहा करती थी। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये पूरा वारदात हुआ, ये पूरी वारदात किस तरह से घटी है, हमें थोड़ा सा तफसील से बताएंगे आप? जी बताइए आप, मैम बताइए आप किस तरह से पूरी वारदात हुई, हमें बताइए विस्तार से। कुमारी को लड़का में लड़का 1 बजे रात में भंज कर को पेट्रोल छिट कर को माचिस मार दिया और हुड़पा तोड़ करके जी। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि मारुति इसको पहले से जानती थी, इस बारे में आप लोगों को सूचना थी क्या? इसको लड़का को जी लड़का को जानती थी, लड़की तो पढ़ रही थी कस्तूरबा में इंटर करके, इन सब निकल करके गरीब परिवार है, निकल करके वो सीनियर सेंटर सीख रही जड़मुंडी में, जड़मुंडी बासुकीनाथ में, तो वहाँ जाकर लड़का धमकी दिया 4 दिन पहले कि जाके तुमको जैसे दुमका में वो लड़की को जलाया वैसे तुमको भी 4 दिन के अंतर में जला देंगे, 4 दिन पहले धमकी दिया। तो मारुति ने इस बारे में आपको बताया था? काल रात को 1 बजे हुड़पा तोड़ को घुस करके पेट्रोल डाल कर को माचिस मार दिया, उसके बाद अनहरा था, लैंप नहीं था घर में, तो अपना मोबाइल से टॉर्च बार करके और देखा तो वही लड़का था, वही राजेश राउत जो लड़का धमकी दिया वही लड़का था, भाग गया लड़का, तो ले गया जा करके सदर हॉस्पिटल दुमका, तो पूरा मजिस्ट्रेट के थाना वाले को मारुति कुमारी बयान दी कि 4 दिन पहले हमको धमकी दिया, हम किसी को नहीं बताया। तो वहां से चल चुके हम लोग, जब चल चुके तो रांची से हम लोग का सबका फोन हुआ, हम लोग का रांची से फोन हुआ, जाकर के
हम लोग का झारखंड सरकार से, विधायक से, सबसे फोन किया जा करके, कृषि मंत्री से सब फोन किया से जल्दी से जल्द पहुंचाइए रांची। हम लोग यहाँ से हेलीकॉप्टर से हम लोग ले जाएंगे यहाँ दिल्ली, पहुंचाने में देरी खाली है। तो हम लोग पहुंचाते पहुंचाते यहाँ पे हम लोग का रिम से घुसाते घुसाते मारुति कुमारी का जान टूट गया। बेहद दुख की बात है जाहिर तौर पे। लेकिन मैम आप ये बताइए कि इस बारे में मारुति ने आपको भी बताया था कि देखिए 5 दिन पहले इस लड़के ने उसने जान से मारने की धमकी दी है, ये कहा है कि जैसे अंकिता को मार गिराया था वैसे ही आपकी भी हत्या कर दी जाएगी, इस तरह से कुछ बताया था पहले मारुति ने आपको? जी, जैसे कि परिजनों से हमारी बात साफ तौर पे कह रहे हैं कि लड़की जो पीड़ित लड़की थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसे 4 दिन पहले राजेश नाम के लड़के ने जिस पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने ही पेट्रोल डालकर इसे आग के हवाले किया है, वो 4 दिन पहले लड़की को इस तरह की धमकी भरी बातें कही थी कि दुमका में जिस तरह तरीके से लड़की को आग के हवाले किया गया था, उसी तरह के तुमको भी मार देने की बात कही जा रही है परिजन के द्वारा। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि लड़की इंटर पास करके सिलाई सेंटर पे एक सिलाई का काम सीख रही थी, इसी बीच लड़के से लड़की और लड़के में दोनों में परिचित थी, पहले से परिचय था, लेकिन जिस तरीके से आधी रात को दरवाजे को तोड़कर लड़का घर में अंदर आकर लड़की पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले करती, कहीं ना कहीं जिस तरीके से वाक्य सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके के माहौल पर जब कुछ दिनों पहले ही इस तरह की घटना घट चुकी है दुमका में ही, लगातार इस पूरे वाक्य के बाद जो प्रशासनिक मुहैया है या फिर कहे तो राजनीति का वो हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय जो राजनेता है, फिर सुबह के जो मंत्री है, कृषि मंत्री उसी क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने परिजनों से भी बात की थी जैसा परिजन बता रहे हैं, और परिजनों ने साफ तौर पर बताया कि मंत्री विधायक लोकल जो विधायक MLA है उन्होंने लगातार परिजनों से संपर्क किया है कि इस लड़की को जो संभव हो सके मदद की जाएगी। यहाँ तक की बात कही जा रही थी कि लड़की को बेहतर इलाज के लिए राज्य से भी बाहर भेजने की भी बातें कही जा रही थी। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पे इस वक्त हमारे साथ तमाम और गेस्ट भी जुड़ गए हैं इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए। राजीव रंजन जी, सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ। सर, यहाँ पर क्या कहा जा सकता है इस पूरे विषय के बारे में? क्या खाकी का खौफ नहीं है क्या इन सिरफिरों में? इससे पहले एक दुमका में वारदात होती है, फिर एक बार फिर से उसी तरह की वारदातें हो जाती है, इसमें क्या कहा जाए? क्या वाकई सिरफिरों के जहन में खाकी का खौफ नहीं है और इसकी क्या वजह है? नेहा जी, सबसे पहले तो मैं घटना के बारे में कहूंगा कि बहुत ही दुखद घटना है और ये पूरे समाज के लिए, केवल पुलिस के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए हम समझते हैं कि इससे और दुखद घटना हो नहीं सकती है, क्योंकि दुमका में ही ये दूसरी घटना हो गई और दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर ही नेचर के हैं, जिसमें कि जिंदा जलाने का कोशिश किया गया और दोनों लड़कियां का डेथ हो गई, दोनों लड़की मर गई हैं। तो ये बहुत ही दुखद है और इसमें आम लोगों को तो जरूर लगता है कहीं ना कहीं कि पुलिस विफल हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि घटना को 100% प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन घटना होने के बाद पुलिस कितना त्वरित कार्रवाई करती है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत जरूरी है कि ऐसे घटना कारित करने में जो भी अपराध कर्मी संलिप्त रहे हो उनका SPG ट्रायल करके, और वो SPG ट्रायल पूरे राज्य में, पूरे देश में मीडिया के सामने वो जाए कि इसमें हम लोग साक्ष्य जुटाए, एक टाइम फ्रेम करके स्पीडी ट्रायल करके ऐसे लोगों को कठोरतम सजा दिलवाने का काम जो प्रोसिक्यूशन का है वो करना चाहिए, ताकि ये एग्जेम्पलरी हो बाकी इस तरह के अपराध करने की मंशा रखने वालों के लिए। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, सौम्या मुदगल जी भी जुड़ी हुई हैं। सौम्या जी, सवाल इस बात को लेकर है कि इस तरह की जो वारदातें करते हैं, क्या मानसिकता उनकी होती है कि इस तरह वो वारदातें कर देते हैं? क्या उन्हें कानून का खौफ नहीं रहता है? कैसे उनकी कहीं ना कहीं जो मानसिक स्थिति है वो किस तरह की होती है कि इस तरह की वारदातें करने से भी गुरेज नहीं करते? देखिए, मानसिक स्थिति, ऐसी स्थिति में यूजुअली जो लड़के होते हैं
एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एंटाइटलमेंट इशू होता है कि जो मुझे चाहिए वो मिलना चाहिए, है ना। उसमें एक ये जो जिद या जिद पे अड़ जाने वाली बात होती है, उसमें इंसान होश खो देता है, सही गलत का मतलब खो देता है। इसमें बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या कैसी अपब्रिंगिंग रही है, किस तरीके का वहाँ का सामाजिक माहौल है, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा पड़ता है। दूसरा, क्योंकि ये घटना ऐसी घटना एकदम अचानक रिपीट हुई है, उसमें इस बात का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि पिछली घटना को कितने सीरियसली लिया गया, कितने सीरियसली उस पर एक्शन लिया गया। क्योंकि एक घटना दूसरे घटना के लिए एक उदाहरण बन जाती है, एक कुछ चीजें अच्छा उदाहरण बनती है, कुछ चीजें बुरा उदाहरण बनती है। तो जो भी इंसान जिसकी प्रवृत्ति इन सब चीजों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाने की है, और जो भी इंसान इस तरीके का है जो कि जिद्दी है या नेगेटिव अप्रोच रखता है लाइफ में या दुश्मनी वाली अप्रोच रखता है, वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं और वो उस पे सही गलत का मापदंड भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आकर हम इस बात को इतने छोटे में नहीं छोड़ सकते, बिकॉज यहाँ पर दो लड़कियों की जान गई है। इसको बहुत इम्पोर्टेंस देना है कि आपको दूसरे की जिंदगी की इम्पोर्टेंस भी नहीं है तो ऐसी इज्जत तो गलत है ना। ऐसी ग्रोथ या जो परवरिश मिल रही है या जो सामाजिक जो हम मापदंड दे रहे हैं लड़का लड़की को कि जो बच्चा चाह रहा है उसको मिलना चाहिए या बेटे को मिलना चाहिए या लड़के की बात पूछी जानी, वो थोड़ा सा हमारे शायद परवरिश की तरफ और हमारे सामाजिक माहौल की तरफ जहाँ इम्पोर्टेंस दी जाती है उसकी तरफ भी इशारा करता है। ठीक है प्रदीप जी, ये जो केसेस हम देख रहे हैं, इससे पहले दुमका में एक और मामला सामने आया था, अब मारुति भी इसी तरह से कहीं ना कहीं शिकार हुई एक सिरफिरे का, ये कौन से कानून के अंतर्गत आते हैं, किस तरह की सजा का प्रावधान इसके अंदर होता है? नेहा जी, सबसे पहले तो बात ये है कि जो मेरे नॉलेज में है कि ये आदमी ऑलरेडी मैरिड था कुछ टाइम पहले ही। इस आदमी ने, जिसे जो हम इसको मर्डरर बोलेंगे आपको, इससे ये ऑलरेडी मैरिड था। कोई भी कानून में प्रावधान ऐसा नहीं है कि आदमी मैरिड हो और वो बिना शादी कर ले। अगर ऐसा कब कोई इंसिडेंस है, जैसे इसने कहा कि ये अगर शादी लीगली भी बाइंडिंग नहीं थी, लीगली भी ये मेंटेनेबल नहीं थी मैरिज, अगर ये कर भी लेती तो, क्योंकि फर्स्ट वाइफ के रहते जब तक डाइवोर्स ना हो तो ये सेकंड जो मैरिज कर लेगा तो ये बाइगेमी आती है आईपीसी के अंदर। इसका 494 आईपीसी के अंदर सेक्शन है जिसके अंदर ये इसके खिलाफ कार्यवाही होती है। दूसरी बात ये है इसमें नेहा जी कि देखिए इसमें क्या हुआ कि एक आदमी, एक जिसके साइड उसका इन्फेचुएशन था, आकर्षण था, उस लड़की के घर के पास गया, वहां जाकर घर के अंदर गया, लड़की के ऊपर पेट्रोल डालकर उसको माचिस से जला दिया, इसकी डेथ हो गई। दो चीजें इसके अंदर आती है, एक होता है मर्डर, ये जो कैटेगरी है ये मर्डर में आना चाहिए जी, क्यों, और 302 की धारा इसके ऊपर लगनी चाहिए आईपीसी की, क्योंकि ये जो अपराधी है ये किसी ना किसी स्टेज के ऊपर ये भी प्ली लेगा कि ये 304 आईपीसी के अंदर तहत आ जाना चाहिए। 304 आईपीसी में दो तरह की है, एक में सजा 10 साल की है और एक में उम्र कैद है, अगर पार्ट वन और पार्ट टू उसमें है। पार्ट वन में जो बात है इसमें एक वर्ड, बस एक वर्ड का ही डिफरेंस है दोनों में। अगर इसमें क्या होता है कि इसमें होता है नॉलेज और इंटेंशन। अगर आपको नॉलेज थी कि आपके ऐसे करने से किसी आदमी के लिए घातक हो सकता है, उसकी जान जा सकती है, तो ये पार्ट वन में आ जाएगा, उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट का है। लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि नॉलेज और इंटेंशन, अगर इंटेंशन ना हो और फिर किसी की जान चली जाए उसमें पार्ट टू आ जाता है। लेकिन ऐसे माहौल में जो ये इंसिडेंस है कि ये तो सीधा सीधा 302 के अंदर आता है, 302 आईपीसी मर्डर में, और ऐसे जघन्य अपराध के लिए स्पीडी ट्रायल, जैसे रंजन जी ने अभी बताया, स्पीडी ट्रायल तो होना ही चाहिए। लेकिन इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लड़की मरने से पहले अपनी डाइंग डिक्लेरेशन दे गई है। अब डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि मरने से जो मृत है
जिसकी की डेथ हो गई है, वो मरने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने या किसी ऑफिशियल के सामने अपनी स्टेटमेंट देते जो रिकॉर्ड हो जाए, वो मान्य है, और उससे ज्यादा बड़ा प्रूफ और एविडेंस कोई भी नहीं हो सकता। नेहा जी, नेहा जी, सब लोग जानते हैं कि हमारे सिस्टम एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, ट्रायल को फेस हमें पता भी है कि कौन अपराधी है कौन नहीं है, बिना उसको अपनी अपॉर्चुनिटी दिए कि वो अपने आप को डिपेंड करे, हम उसको सजा नहीं सुना सकते। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन में सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट में आता है, उसमें एक मृतक, क्योंकि इसमें इफ एंड बट तो रही नहीं गया ना, एक आदमी जो प्रताड़ित है इसके अंदर, जिसकी की जान चली गई या कुछ दिन बाद चली गई मरने से पहले, पुलिस को या मजिस्ट्रेट को अगर उसने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि ऐसे ऐसे ये वाक्य हुआ और ऐसे ऐसे वाक्य के कारण से, इस एक्ट के कारण से फला आदमी की इन्वॉल्वमेंट से मेरी डेथ हो गई, और इसके बियॉन्ड क्या एविडेंस चाहिए आप ये बताइए, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड भी हो जाती है। आपके पास अगर वहां पर वीडियो कैमरा नहीं है तो आजकल मोबाइल फोन तो सबके कैमरा तो सबके फोन के अंदर है, तो जिस भी ऑफिसर के सामने अगर उसके पास इतना समय है, हालांकि क्योंकि जैसा कि इस एपिसोड के बारे में मेरे को जितनी नॉलेज है कि इसमें 90% बंद हो गए थे, 90% बंद का मतलब ये है कि काफी हद तक वो पीड़िता लगभग अपनी जान दे चुकी थी, 90% बंद के बाद वो इस पोजीशन पे नहीं होती है कि वो अपनी स्टेटमेंट दे सके मरने से पहले। बिल्कुल। तो ये कुछ कानूनी दावपेच बीच में आ जाते हैं कि कैसे हुआ होगा, ये डाइंग डिक्लेरेशन गलत है, ये तो पुलिस ने हमारे खिलाफ स्टोरी बना दी, हमें जबरदस्ती फंसा दिया, लेकिन नहीं, किसी भी कारण से अगर डाइंग डिक्लेरेशन है, चाहे वो धीमी आवाज में है, हालांकि एविडेंस एक्ट तो ये भी बोलता है, एक जजमेंट है एविडेंस एक्ट में, इसमें राम सिंह वर्सेस कर्नल राम सिंह सुप्रीम कोर्ट की बहुत जानी मानी जजमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में बात करता है, हालांकि उसमें ये है कि आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में, जैसे अगर ये विजुअल नहीं है, ऑडियो अगर रिकॉर्डिंग है तो ऑडियो, क्योंकि रिकॉर्डिंग इसमें वीडियो एंड ऑडियो दोनों ही होगी, लेकिन क्या वो बोल रही है ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है सर, घर में घुसकर अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की वारदात को अंजाम दे देता है, पेट्रोल डाल देता है, किसी व्यक्ति को मार देता है, तो जाहिर तौर पे ये तो इससे तय होता है, साफ होता है कि कानून का खौफ उसके जहन में नहीं है, लेकिन क्या वजह इसके पीछे माने कि महिलाओं से अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है झारखंड में, कहां खामी कहां कमियां आप देखते हैं? एक्चुअली खौफ नहीं है माना जा सकता है कि कानून का भय कम है लोगों के दिल में, इसके पीछे कारण है कि एक अवेयरनेस की भी कमी है, लोगों को लगता नहीं है कि आगे क्या होगा, ये मतलब ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं कि ये मानसिक प्रॉब्लम है उनका कि वो दूर सोच नहीं पाते हैं। नहीं, लेकिन अवेयरनेस की कमी ही इसके उनकी पीछे क्या मानसिक स्थिति है ये तो अलग है, लेकिन जो इसमें पुलिस का जो दायित्व तो है उसको अब अपना दायित्व तो निभाना होगा, चूंकि हमें एग्जाम्पल सेट करना होगा पुलिस प्रशासन को कि कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह का काम करने से आगे आने वाले दिनों में डरे। लेकिन सर अगर ये एग्जाम्पल पहले सेट किया होता हम तो लोगों को नहीं, क्या जैसे वो बता रहे थे एक्चुअली हम लोग चूंकि एक लंबी पुलिस की नौकरी हम भी किए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि घटना नहीं घट सकती है, घटनाएं घट सकती है। अभी आप देख रही हैं कि अमेरिका जैसे डेवलप्ड स्टेट में भी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन अब उसके बाद एक्शन जो है पुलिस का ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि जनता को भी लगे कि नहीं पुलिस ने अपना काम कड़ाई से किया,
और आने वाले दिनों में एक एग्जाम्पल भी सेट हो। ठीक है, ठीक है, मैं सौम्य जी का रुख कर लेती हूँ। सौम्य जी, क्या वाकई जिस बात का जिक्र अभी राजीव जी कर रहे हैं, कह रहे हैं एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है, क्या वाकई आपको लगता है कि एक एग्जाम्पल अगर सेट किया गया होता अंकिता की मौत के बाद, तो जाहिर तौर पे इस तरह के मामलों में कुछ हद तक कमियां आती? जी देखिए, हम जब मानसिक तौर पे या मानसिक हमारा एक सामाजिक मानसिक जो आचरण भी होता है, जो हमारा सामाजिक होता है, वो हम समाज में ही सिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या ये सामाजिक रूल रेगुलेशन सही है। तो ये जो हमारा पुलिस का दायित्व है या हमारा कानूनन दायित्व है या हमारे न्यायाधीश का दायित्व है, ये सब उसी के अंदर। जी डर तो क्रिएट करता ही है कि आप अगर ऐसा कुछ गलत करेंगे तो आपके साथ भी कुछ होगा। लेकिन अगर हम एग्जांपल सेट नहीं करते हैं तो जो पैट नाम की तो चीज ही नहीं रही ना, फिर तो सब ये समझ के बैठे हैं कि कुछ भी कर लो हम निकल आएंगे, हम छूट जाएंगे। ऐसे केसेस में आपको स्ट्रिक्टनेस रखनी होगी, रिमांड नहीं मिलनी चाहिए, केस को एक्सपेडाइट करना चाहिए, जिससे कि ये आपको सामने वाले को दूसरों को ये एग्जाम्पल मिले कि नहीं, आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो बच के निकल पाना आसान नहीं होगा। नहीं, वही चीज अभी राजीव जी कह रहे थे कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, जागरूकता नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि कुछ हद तक जागरूकता की भी कमी है? उनको ये नहीं पता है कि अगर वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे देंगे तो उसका हश्र क्या होगा, कितना उनको खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है? क्या आपको भी लगता है कि इस तरह की जागरूकता की कमी है जिस वजह से इस तरह की जो वारदातें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जागरूकता की कमी है, कुछ क्षेत्र में हो सकता है जागरूकता की कमी हो, पर 100% तो ऐसा नहीं है दुनिया में कि लोगों को पता नहीं कि आप किसी की हत्या करेंगे तो उसके उसके लिए उसके बाद आपके साथ बुरा नहीं होगा। और यहाँ तो बिल्कुल ही प्लांड हत्या है ये तो, जैसे कि आपके वन ऑफ द स्पीकर्स ने कहा, ये तो सारा इंटेंट भी है, प्लांड भी है, गए भी है, किया भी है। तो ऐसा नहीं है कि जागरूकता नहीं है, लेकिन भय नहीं है। एक तो भय नहीं है, बिल्कुल सही बात आपने कही राजीव जी। जिस बात का जिक्र अभी सौम्या जी कर रहे हैं, कह रही है देखिए स्ट्रिक्टनेस बरतनी पड़ेगी, जब तक पुलिस स्ट्रिक्टनेस नहीं रखेगी, सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है और सख्ती भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सख्ती नहीं रखेगी पुलिस, तो इस तरह की वारदातें बार बार सामने आएगी। इत्तेफाक रखते हैं आप राजीव जी? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। प्रदीप जी, मैं सीधा रुक आपका कर लेती हूँ। सर, 302 में ये, क्योंकि मामला दर्ज करने की बात आपने कही थी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर 302 में ये मामला दर्ज होता है तो किस तरह की सजा का प्रावधान होता है सर इसमें? नेहा जी, 302 में आजकल दो सजाएं हैं, एक तो है लाइफ इंप्रिजनमेंट और दूसरी, क्योंकि जितना हीनियस होता है इसके अंदर, उसमें मौत, सजाए मौत का भी प्रावधान है। देखने की बात यह है, इस वाले एपिसोड के अंदर क्योंकि इंटेंट है, उसको मालूम था कि जो मैं एक्ट कर रहा हूं उसका अंजाम क्या हो सकता है, नंबर वन। दूसरा, उसको नॉलेज थी इस बात की कि तुम्हारे इस तरह के एक्ट करने से क्या ये अल्टीमेटली इट वुड रिजल्ट इनटू डेथ ऑफ समबडी, ये उसके पास था, इंटेंशन थी, नॉलेज थी। और उसने, क्योंकि जब ये दोनों चीजें आ गई तो उसके अंदर इसका मतलब ये है कि उसकी मंशा थी इस बात की कि मुझे इस लड़की को मारना ही मारना है। ब्रूटिलिटी आ गई, ब्रूटिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है। किसी भी आदमी को सजा की लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी या उसको सजाए मौत होगी। अभी पिछले दिनों में भी आपको पता है बहुत से एग्जाम्पल ऐसे आए, अभी मुनीर का में दिल्ली में जो एपिसोड हुआ, सब जानते हैं उसके बारे में कि लड़की के साथ कितनी ब्रूटिलिटी हुई थी। तो ब्रूटिलिटी को देखते हुए उस की ये डिफाइन क्वांटम ऑफ सेंटेंस डिफाइन करता है कि पहले इसको सजाए मौत देनी चाहिए या सजा इसको मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट देनी चाहिए। यह भी मेरा एक कहना इसके अंदर है, देखिए पुलिस का रोल, अभी रंजन जी ने इस पे बताया, पुलिस का एक वाइटल रोल होता है। आप ये बताइए कि सबसे पहले उस लड़की को धमकी मिली, चार पांच दिन पहले उसने बताया कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे को जान से मार दूंगा, एक चीज।
दूसरी चीज ये है कि एक एग्जांपल शायद अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में भी हुआ कि किसी एमएलए या किसी के बेटे ने भी वो एक उसके यहाँ एम्प्लॉय थी उसके साथ उसको धक्का देके और उसकी डेथ हो गई। ऐसे जो एग्जांपल्स हैं, ऐसे एग्जांपल्स को नेहा जी हमें जो आजकल क्या है कि ऐसे इंसिडेंट करने वाले को हीरो बना देते हैं, इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि वो बच गया ये हो गया। आप क्यों नहीं ऐसी सिचुएशंस को बाहर लाते, पब्लिक में अवेयरनेस लाते कि ऐसा करने से कितनी ब्रूटिलिटी आपके साथ होगी, उसका बहिष्कार ना के उसका सबका उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। क्योंकि आदमी जहां पर पलता है, जहां से वो पैदा होता है, जो उसकी सराउंडिंग होती है, उसका इम्पैक्ट हमेशा उसकी मानसिकता पे आती है। दूसरी बात, इसमें एक जो कमी मुझे लगती है नेहा जी, वो ये है कि एक मैंने केस अभी कुछ दिन पहले अभी मैं कर भी रहा हूं, अभी एक एक उसका पार्ट हो गया है। एक आदमी एक सजा के उसको सेंटेंस हुआ और उसको जेल के अंदर भेज दिया गया। उस दिन बाद वो जानबूझ के, क्योंकि उसमें इधर उधर से कहीं से उसको समझ मिल गई, किसी ने उसको समझा दिया कि आप अपनी सुसाइडल टेंडेंसी दिखा दो कोर्ट जेल के अंदर, और उसने क्या किया, ऐसा एक्ट किया कि उससे ये लगे कि वो सुसाइड करने जा रहा है। जब उसने ये एक्ट करने की और वो मैसेज पहुंचा ऑफिसर्स के पास, जेल सुपरिंटेंडेंट या दूसरे ऑफिसर्स के पास पहुंचा, जेल सुपरिंटेंडेंट ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें लिखा कि इस आदमी की साइकोलॉजी है जो वो सुसाइडल टेंडेंसीज है। उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर उसने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा दी कि मेरी क्योंकि साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स हैं तो इसलिए लिहाजा मुझे बेल दे दी जाए। ठीक है, आपने 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 अभी बताया कि देखिए उस व्यक्ति को जो आरोपी होता है उसको हीरो बना दिया जाता है, ये हीरो बनाने का काम कौन करता है? हीरो का तो हम लोग भी करते हैं, आप और हम भी करते हैं। कोर्ट से बड़े बड़े जो इस तरह के होते हैं वो जो जजमेंट्स वगैरह है वो बांटी जाती है, मीडिया में भी हम लोगों का रोल है, न्यूज पेपर में भी है, सब लोग हम सब लोग करते हैं। हीरो बनाने का मतलब ये नहीं किसी इंडिविजुअल को कह रहे हैं, हम ये हम सब सोसाइटी बनाती है उसको। ठीक है सर, ये बताइए अगर मानसिक तौर पे विकृत होता है कोई व्यक्ति और वो इस तरह के मामले को अंजाम देता है तो क्या ये केस हल्का हो जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल हल्का नहीं हो जाता, और मजबूत हो जाता है। आप किसी आदमी की जान ले रहे हैं, जान से ज्यादा प्रेशियस और क्या होगा नेहा जी? आप ये बताइए, आपने अपने एक अपनी लस्ट के लिए, अपने एक झुकाव के लिए, अपने आकर्षण के लिए कहां कौन से लॉ में लिखा हुआ है कि ये जायज है? आप उस बच्चे को देखिए जिसके माँ बाप की बच्ची गई है, उस पर्टिकुलर आदमी को सोचिए। आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि अगर वो बच्ची जीवित रह जाती, ऐसी केस में 90% जिसको बर्न हो जाते उसको मुद्दत लग जाती अपनी ओरिजिनल शेप में, वो फिर भी नहीं आती, चाहे कितना ही पैसा खर्च कर देते, कितना ही कर देते। आपने उस लड़की के फ्यूचर को खराब कर दिया होता, आपने उस लड़की के बिल्कुल जाहिर तौर पे काफी दुखद घटना है। ठीक है ठीक है, राजीव जी मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सर सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए इस लड़की को धमकी पहले मिली थी 5 दिन पहले, अगर ये सरफिरा ये कहता है कि मैं तुम्हारा भी वही हश्र करूंगा जो कि अंकिता का हुआ था दुमका में, यानी कि पहले धमकी और उसके बाद उसको सच भी साबित कर दिया। सर ये तो वही बात हो गई कि आपको पता है कि सामने वाला सरफिरा है और आपको मौत के घाट उतार देगा, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन का जो रोल है वो क्या आपको लगता है कि सही है इस दिशा में? पहले नेहा जी हम एक चीज क्लियर करना चाहेंगे कि इसको सरफिरा बोल करके हम लोग इसको मौका नहीं दें इस आदमी को, क्योंकि जो एक हफ्ता पहले धमकी दिया है तो मर्डर में इसी को हम लोग प्लानिंग कहते हैं, प्लानिंग इंटेंशन और मोटिव। ये हमारे दूसरे एंकर जो वहां बैठे हुए हैं, हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं स्पीकर, उन्होंने भी बताया, तो ये प्योरली मर्डर है, इसलिए हम लोग 304 से इसको कंफ्यूज नहीं करें। देयर वाज ए प्लानिंग,
देयर वॉज ए मोटिव एंड देयर वॉज इंटेंशन ऑल्सो. कोई किरासन तेल खरीदता है, कोई ले करके प्लानिंग करता है, एक हफ्ता पहले से प्लानिंग कर रहा है कि तू मेरी बात नहीं मानोगी तो हम तुमको मार देंगे. इसलिए नो एनी मीडिया, नो एनी पर्सन शुड बी कंफ्यूज विद दिस कि इट वॉज ए साइको पर्सन एंड ही हैज एक्टेड इन ए साइको फोबिया मैनर. इट इज ए प्योरली मर्डर एंड इसमें 304 का कहीं कोई बात ही नहीं है. पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, अगर वो लड़की मरती नहीं तो हमारे यहाँ सेक्शन इसके लिए 307 बना हुआ है, अटेम्प्ट टू मर्डर. लेकिन चूंकि उनकी डेथ हो गई है तो ये प्योरली प्लानिंग के साथ मर्डर है और 302 है. हमारा ये इंटेंशन होना चाहिए, पुलिस का होना चाहिए कि जो भी एविडेंसेज हैं उनको जमा करे और एविडेंसेज जमा होकर के ऐसे लोगों के लिए प्रोसिक्यूशन को फांसी की सजा मांगनी चाहिए. क्योंकि एक बार ऐसे लोगों को जब फांसी हो जाएगी और हम इंश्योर करेंगे यहां से फांसी तो हुई है कि वो सजा प्रिवेल कर जाए, देन इट विल गिव एग्जांपल टू द सोसाइटी. नहीं सर, ऐसे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी से मिलते जुलते कई केसेस में सर फांसी की सजा होती है. इससे पहले भले ही ये रेप का केसेस ना हो, ये जिंदा जलाने का मामला हो, लेकिन इससे पहले जब रेप के केसेस भी सामने आएंगे उसमें भी फांसी की सजा हुई है. लेकिन उसके बावजूद भी समाज में बदलाव कहीं ना कहीं देखने के लिए नहीं मिलता. हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम महिलाओं की महफूजियत की बात करते हैं, सुरक्षा उनको प्रदान करने की बात करते हैं. लेकिन आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में वो दर्जा महिलाओं को क्यों नहीं दिया जाता, युवतियों को क्यों नहीं दिया जाता जो दिया जाना चाहिए? क्या वजह इसके पीछे है सर? और मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहूंगी कि आप जब ये कहते हैं कि देखिए जागरूकता की कमी है, तो ये जागरूकता की जो कमी जरूर, है नेहा जी, हम इसमें आपको ऐड करेंगे. नेहा जी आप सुन रही हैं मेरी आवाज? जी सुन रही हूँ मैं सर आपकी बात. रखिए अपनी बात. हेलो जी, सुन रही हूँ मैं आपकी बात. हाँ, इसमें हम कहना चाहेंगे ये कि ये बहुत जरूरी है कि हम लोग स्कूल से मॉरल एजुकेशन की पढ़ाई शुरू करें. क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में मॉरल एजुकेशन की पढ़ाई होती है, हम लोगों ने मॉरल एजुकेशन को भूल गया है. हम लोग इथिक्स पर बात नहीं करते हैं. अभी हाल ही में आप देखें कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में, अभी हम लोग दुर्गा पूजा का यह सप्ताह मन रहा था, नारी शक्ति की हम लोगों ने पूजा विगत 9 दिनों से आह्वान कर रहे थे और उसी सप्ताह के दौरान ये घटना घटी है. तो इसका मतलब है कि हम एक तरफ नारी शक्ति दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं और दूसरा नारी के साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं. मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी में मॉरल एजुकेशन की ज़रूरत है और आध्यात्मिक चिंतन की ज़रूरत है. जब तक आप बच्चों में एक मॉरल एजुकेशन नहीं लाएंगे, बच्चों में ये भावना कल्मिनेट नहीं होगा कि हमको, हमारे लिए लड़कियां का क्या महत्व है, लड़की को हमको किस नज़र से देखना है, ये बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी में इसमें चेंज लाया जाए और इस पर बहस छेड़नी चाहिए. कॉलेज और स्कूल्स में इस पर बात होनी चाहिए. जब तक आपके स्कूल्स में और कॉलेज में इसकी पढ़ाई नहीं होगी, तब तक हमको लगता है कि सोसाइटी में बदलाव नहीं हो सकता है. तो बहुत ज़रूरी है कि नेशनल मीडिया इस पर सोचे, पुलिस प्रशासन भी सोचे और समाज के जो अग्रणी लोग हैं वो लोग सोचें और हम लोग सब्जेक्ट को मॉरल एजुकेशन कॉलेजेस में तो सर इसकी पढ़ाई हो, साथ ही साथ पहली पाठशाला तो अपना घर होता है सर. मुझे लगता है कि घर से भी इस बारे में बच्चों को सिखाना चाहिए कि आखिर मॉरल ड्यूटीज क्या होती है, महिलाओं की जो इज्जत है वो कैसे की जाती है. ये पाठशाला भी इसकी होनी चाहिए, स्कूल में भी पढ़ाया जाना चाहिए, कॉलेज में भी पढ़ाया जाना चाहिए, घर परिवार में भी बताना चाहिए कि महिलाओं की इज्जत कैसे की जाती है, उनको कैसे सम्मान दिया जाता है और इस तरह के अपराध दोबारा ना हो या इस तरह के अपराध करने की सोचे भी ना बच्चे, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं जागरूक करने की जरूरत है. और क्या लगता है आपको कि आखिर क्या कदम और उठाने चाहिए कि इस तरह की वारदातें कम से कम सामने ना आए? देखिए मॉरल ड्यूटी तो है ही, मॉरल पढ़ाना तो जैसे कि आपने भी कहा कि पहली पाठशाला तो घर से ही शुरू हो जाती है. तो ये मान सम्मान रेस्पेक्ट बेटियों का या लड़कियों का जिस तरीके से होना चाहिए ये तो घर से ही परिवार से ही शुरू हो जाना चाहिए और फिर ये स्कूल कॉलेज पाठशाला तक जाना चाहिए. लेकिन उसके अलावा जो दूसरी चीज है वो बहुत ज्यादा जरूरी ये भी है कि स्कूल कॉलेज लेवल से शायद अभी हाई टाइम है कि हम बच्चों को उनके राइट्स प्रिविलेजेस और बेसिक राइट्स एंड प्रिविलेजेस, चाहे वो लड़कियों को हो, कहाँ वो मदद के लिए जा सकती हैं अगर वो प्रॉब्लम में हैं, कौन सी जगह हैं जो अवेलेबल हैं जहाँ वो हेल्प ले सकती हैं,
और साथ में थोड़ा बहुत ये नॉलेज कि अगर इस तरीके के क्राइम किए जाते हैं तो ये पनिशमेंट मिलता है, ये बेसिक राइट प्रिविलेजेस और लॉज की नॉलेज भी आई थिंक स्कूल लेवल से शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर आप ग्रास रूट लेवल से ही ये बताना शुरू कर देते हो कि ये चीज गलत है और इसके परिणाम गलत हो सकते हैं। आपको उदाहरण, फिर आप जब दुनिया या समाज में देखते हो तो आपको ये आपको फौरन दिमाग में हिट करता है, छोटे बच्चे के लेवल पे भी कि अच्छा ये मैंने पढ़ा था ऐसा होता है। तो ये आप जब ग्रास रूट लेवल पे करते हो तो आचरण उसी तरह से बदलता है ना। अगर आप सोचो कि आपने आज आधी से ज्यादा लड़कियों को शायद हेल्पलाइन नंबर नहीं पता होगा कि किस हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉल करना है तो हमें हेल्प मिल जाएगी, या हम कहाँ पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो हम कैसे अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि बच्चों को पढ़ाई बताई ही नहीं जाती है, ना पता होती है। तो अगर हमने अपने बच्चों को ऑलरेडी सशक्त कर रखा है, स्पेशली लड़कियों को, हम लड़कों पे ही क्यों सारा फोकस कर रहे हैं, हम अपनी लड़कियों को अगर उतना सशक्त रखें कि भाई बेटा आपको वहां जाना है, ये नंबर है जहाँ हेल्प कर सकते हो, यहाँ पे इन चीजों के लिए आप यहाँ कंप्लेन कर सकते हो, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो स्कूल लेवल पे एक सेंटर हो जहाँ पे कि आप जाके कंप्लेन कर सकते हो आपको कोई परेशान कर रहा है, या आपके कम्युनिटी लेवल पे या सोसाइटी लेवल पे या पुलिस लेवल पे, तो उन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। हमें ये अवेयरनेस यू नो डेली बेसिस पे बच्चों को देनी पड़ेगी। ठीक है, बाहर जाए महिलाएं या फिर युवतियां, उनको शिक्षित करना बहुत जरूरी है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि जब घर में ही बच्चे सुरक्षित नहीं है, घर में ही लड़कियां सुरक्षित ना हो तो इसे क्या कहिएगा। अब सवाल इस बात को लेकर भी है सौम्या जी कि सरकार की भूमिका आप कितनी देखते हैं कानून व्यवस्था को प्रदेश में बेहतर करने और कानून व्यवस्था को सुधारने में। सरकार का तो मेजर रोल रहेगा ही मैडम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सरकार को ऐसे केसेस में आपको स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, बेल ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी रिमांड में लेने की कोशिश की जानी चाहिए, केस एक्सपेडाइट होना चाहिए जिससे कि कोई भी ज्यादा इन्फ्लुएंस ना कर पाए केस को, या कोई भी इस तरीके के एक्सक्यूज लेके ना आ पाए कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा या ये लगेगा, जिससे कि गवर्नमेंट को अपना शिकंजा कसना पड़ेगा, टाइट रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को यू नो ये पॉलिसी रखनी पड़ेगी कि नो टॉलरेंस पॉलिसी पे जाना पड़ेगा। अगर आप नो टॉलरेंस पॉलिसी पे जाओगे तब भी ऐसी चीजें कंट्रोल में आएंगी, अगर आप अगर इसको एज अ रेगुलर प्रोसेस चलने देंगे तो फिर तो ये तो ऐसा ही हो गया जैसे चोरी की है, देखा जाएगा जब का जब फैसला होगा। तो वो जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ पब्लिक की नहीं है, सर्टेनली सरकार की भी है। सरकार की भी है। और लेकिन अब राजीव जी, अब सवाल ये भी है, देखिए पुलिस से जुड़े हुए सवाल तो मैं आपसे पूछ ही रही हूँ, लेकिन अब महिलाओं से की महफूजियत की अगर जब बात होती है तो महिला आयोग के पद की भी बात होगी, महिला आयोग का पद और तमाम और दूसरे पद जो हैं महिलाओं से जुड़े हुए विभाग के, वो अगर खाली हो, वहां पर किसी की नियुक्ति ना हो, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर महिलाएं शिकायत भी करें, युवतियां शिकायत भी करें, तो उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, पद खाली है, नियुक्ति वहां पर नहीं हो रही है। बिल्कुल नियुक्तियां होनी चाहिए, मेरे समझ से पद को खाली नहीं रहना चाहिए। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज मिल रही है सर। हाँ, नियुक्तियां होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि इसके साथ साथ जो हम बताए आपको कि स्कूल कॉलेजेज में पनिशमेंट इस ऐसे जघन्य अपराध का 9th-10th लेवल में ही थोड़ा बच्चों में अवेयरनेस जगाने की जरूरत है कि ऐसी घटना कोई करने पर क्या उनको सजा हो सकती है। ये सजा जैसे आप फॉरेन में देखेंगे, विदेशों में तो ट्रैफिक की भी जानकारी हम लोगों को स्कूल से वहां दी जाती है, या हम लोगों के यहाँ ट्रैफिक की भी जानकारी नहीं है स्कूल के बच्चों को। हेलमेट पहनना हमारे लिए जरूरी है, ये जानकारी उनको बाद में होती है जब पुलिस पकड़ के फाइन करता है, उनके मन में पुलिस के प्रति रोष भी होता है कि पुलिस पकड़ के फाइन कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि बेसिक एजुकेशन मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल लेवल पे दिया जाए। जब तक आप एक अच्छा इंसान बनने का एजुकेशन नहीं देंगे तब तक आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा। ये बहुत जरूरी है कि अच्छा एजुकेशन के साथ साथ उसको अच्छा इंसान बनने के लिए भी हम एजुकेट करें, और लाइफ में चाहे आप कुछ भी बन जाएं, अगर अच्छा इंसान नहीं है तो हो सकता है IAS IPS बनने के बाद भी आप जेल चले जाएंगे।
ऐसे भारत देश में सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि जो बहुत बढ़िया पढ़ लिख गया या कंपटीशन कंपीट कर गया वो अच्छा इंसान भी हो गया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग देश में अच्छा इंसान को डेवलप करें, और ये तभी होगा जब ये ट्रेनिंग हम लोग स्कूल से शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक है प्रदीप जी, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इस तरह के केसेस जो होते हैं जहाँ पर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं होते पीड़िता के घर वाले, वो कोर्ट जाने से भी परहेज करते हैं, उनको पता है कि अगर कोर्ट जाएंगे एक लंबा मामला चलेगा और फिर नतीजा वही ढाक के तीन पार, तब पता नहीं आरोपी को सजा दिला भी पाएंगे नहीं दिला पाएंगे, न्याय मिल भी पाएगा नहीं भी मिल पाएगा। ऐसे केसेस में क्या लगता है आपको कि फास्ट ट्रैक अदालतों में इस तरह के केसेस चलाने की जरूरत है ताकि जो अपराधी हैं उनके अंदर खौफ हो कि जल्द से जल्द उन्हें सजा मिलेगी, क्योंकि एक लंबा वक्त निकल जाता है, अपराधी भी अपनी जिंदगी जी लेता है, उसके बाद कई कई बरसों बाद जाकर उन्हें कहीं ना कहीं सजा मिलती है, तो एक वो खौफ नहीं है कानून का जो वाकई होना चाहिए। नेहा जी, मैं आपके जो भी क्वेरी थी उसको तीन भागों में बांट के आंसर करूंगा। नंबर वन, कि आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गरीब होते हैं और अच्छी लीगल हेल्प ना मिलने के कारण से और पैसा नहीं होने के कारण से वो केसेस को लड़ नहीं पाते। ऐसा नहीं है, हर स्टेट में, जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली स्टेट लीगल सेल है, हर कोर्ट के अंदर लीगल सेल्स हैं जो कि गरीब आदमियों को और जो अच्छे, उनमें बहुत से अच्छे लॉयर्स भी हैं, उन लॉयर्स की कैटेगरी की भी है कि जो अगर जैसे छोटे, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस की बात करें तो ये सीनियर कैटेगरी में आ गया, तो वहां पर कैटेगरीज है कि जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस, ऐसे लोग भी, उन लोगों को जब इस तरह के केसेस आते हैं तो दिल्ली स्टेट लीगल सेल या जो लीगल सेल्स होते हैं हर स्टेट के अंदर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। इतनी जागरूकता नहीं होती ना सर उन लोगों में, इतनी जागरूकता नहीं होती ना, ये भी एक खामी है। हर पुलिस स्टेशन के ऊपर, हर कोर्ट के बाहर ये बोर्ड लगे हुए हैं, वो जाकर अब अगर कोई चीज सामने है थोड़ा बहुत, तो ड्यूटी हमारी भी बनती है कि हम उसको अपनी आंख खोल के रखें, अपने चारों तरफ को देख के रखें। दूसरा मेरा को कहना ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी ऑलरेडी हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होने के बावजूद भी हमारा सिस्टम जो है लीगल जो है वो एविडेंस बेस्ड सिस्टम है। आप किसी को भी बिना उसका पक्ष सुने आप उसको अपराधी घोषित नहीं कर सकते। तो ये केस भी देख लीजिए आप, बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, डाइंग डिक्लेरेशन है। अभी शायद आपसे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं इनको सुनने में शायद कोई गलती लग गई, इन्होंने ठीक से सुना नहीं। मैंने इसमें कभी भी ये नहीं कहा कि 304 में आ जाता है, मैंने ये बताया था कि 304 का लोग बाग प्रोटेक्शन लेते हैं और वो किस कारण से लेते हैं। मैंने ये बताया था कि राम सिंह कर्नल वर्सेज कर्नल राम सिंह की जो जजमेंट है उसमें ये क्लोज है जिसके कारण से लोग ये इस पॉइंट की साइड जा सकते हैं। ये बियॉन्ड डाउट ये 302 का केस है, मैंने ये भी बताया था कि इंटेंशन भी है इसके अंदर और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, डाइंग डिक्लेरेशन भी है। लेकिन डाइंग, क्योंकि हम लोग एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, हम जो भी कहेंगे हमें उस बात को प्रूव भी तो करना है अपने एलिगेशन को। बिल्कुल, पुलिस सबूत बहुत जरूरी होते हैं जाहिर तौर पे, सही बात आपने कही है। मैं इसमें बोलूंगा पुलिस मामले में अपनी ड्यूटीज को पूरी करने में फेल हो गई। क्यों? 5 दिन पहले आपको एक धमकी मिली, आईपीसी में 500 सेक्शन 506 में प्रोविजन है इंटिमिडेशन, धमकी देना। उस प्रोविजन के अंदर पुलिस ने क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया बंदे को जिसने धमकी दी? आप उसको लॉकअप में रखते कुछ दिन के लिए, उसके साथ सख्ती से व्यवहार करते तो हो सकता था शायद ये। लेकिन पुलिस छोटी की इंटिमेशन है, धमकी है, ऐसी उसी बातों को कहकर और इग्नोर कर देती है। रिजल्ट ये हुआ कि एक आदमी की, अगर वो शायद पुलिस टाइमली अगर एक्ट कर देती इसके ऊपर तो शायद एक बच्ची की जान बच गई हो। कहना बहुत आसान है कि ये करेंगे, जो अब है उसको तो ठीक से यूज कर लो आप। कल क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत सी बातें हैं।
तब तक इसका बिल्कुल सभी को अपनी ड्यूटीज को समझना चाहिए जाहिर तौर पे, और अगर इस तरह की जो वारदातें सामने आती है और अगर पहले धमकी मिलती है पुलिस उस पर वक्त पे एक्शन लेती तो जाहिर तौर पे ये जो पूरा मामला हुआ है इससे कहीं ना कहीं बचा जा सकता था और इससे निकला जा सकता था और लड़की की शायद जान ना जाती। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।